एवरीवन, वेलकम टू टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि लास्ट एंड लास्ट और डिफॉल्ट मेथड लिंक क्वेरी में कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लास्ट मेथड क्या होता है। सो जब भी आपको किसी डेटा सोर्स से लास्ट एलिमेंट को रिटर्न कराना होता है, उसके लिए हम लास्ट मेथड को यूज करते हैं। एंड देन आप लास्ट मेथड के अंदर कोई कंडीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे जो लास्ट एलिमेंट होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डेटा सोर्स एम्प्टी हुआ उस केस में आपको इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन आ जाएगी। सेकंड केस, अगर आपका जो डेटा सोर्स था एंड देन आपने उस पर लास्ट मेथड को अप्लाई किया है विद स्पेसिफिक कंडीशन और उसने कोई एलिमेंट आपको रिटर्न नहीं किया, इसका मतलब आपने लास्ट मेथड के अंदर जो कंडीशन दी थी वो कंडीशन डेटा सोर्स का कोई भी एलिमेंट फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, उस केस में भी आपको इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन आएगी। थर्ड थिंग, अगर आपका डेटा सोर्स नल होता है, ठीक है, तभी आपको आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन रिटर्न कर देगा। क्लियर? अब हम क्या काम करते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक क्लास बनाई है मैंने लास्ट और डिफॉल्ट के नाम से, ठीक है। लास्ट और डिफॉल्ट में आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स डिफाइन किया, जैसे कि लास्ट का एग्जाम्पल, लास्ट विद प्रेडिकेट, ठीक है, लास्ट जो है एम्प्टी डेटा सोर्स के साथ काम कैसे करेगा एंड देन सो ऑन। तो हम क्या काम करने वाले हैं, सब एग्जाम्पल्स को वन बाय वन डिबग करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डिबगिंग की हेल्प से हम कोड को इजीली समझ पाते हैं। तो मैंने कोड को रन किया हुआ था, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पर रुका हुआ है एंड देन अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, इसका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है उसको कॉल करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, जिसका क्या नाम है, नंबर्स, एंड देन इसमें कुछ इंटीजर वैल्यूज इसने होल्ड करके रख रखे हैं। तो सबसे पहले मेथड सिंटेक्स को यूज करके मेरे को अगर लास्ट एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या काम करूंगा, डेटा सोर्स में आप डॉट लगा के लास्ट मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो देखिएगा इसे लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, लास्ट वैल्यू क्या है, 10, एंड देन इसने क्या रिटर्न किया, 10। क्वेरी सिंटेक्स में भी क्या होता है, हम बेसिक क्वेरी लिखेंगे जो लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं हम लिखते आ रहे हैं एंड देन उसमें सेम वे में लास्ट मेथड को डॉट लगा के कॉल कर देंगे और ये भी आपको सेम जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा। एंड देन फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट जो मेथड होता है वो प्रेडिकेट के साथ कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, एक सेम डेटा सोर्स ले लिया, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले मेथड सिंटैक्स को यूज कर लेता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, जो आपका डेटा सोर्स था नंबर्स, उसमें लास्ट मेथड को कॉल कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पे प्रेडिकेट पास कर दिया। प्रेडिकेट होता है कि लास्ट मेथड के अंदर आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि लास्ट मेथड के अंदर इसने कंडीशन दे दी और ये बोल रहा है कि वो नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसको 3 से डिवाइड करने के बाद जो मोड है वो 0 बचता है, ऐसा जो भी नंबर होगा वो मेरे को पहला नंबर रिटर्न कर दो। क्योंकि 3 से डिवाइड तो 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, सॉरी पहला नहीं लास्ट नंबर रिटर्न कर दे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट मेथड है। तो ये क्या काम करने वाला है, ये 9 को रिटर्न करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसने कौन सी वैल्यू रिटर्न की, 9। सेम क्वेरी सिंटेक्स में सेम बेसिक क्वेरी लिखेंगे, फ्रॉम नम इन नंबर्स एंड देन उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे देन उस पर लास्ट मेथड को कॉल कर देंगे विद अप्लाइंग सेम कंडीशन। तो ये भी आपको 9 रिटर्न कर देगा एंड देन हमने 9 यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो 9 यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्लियर। अब क्या हुआ कि अब बात कर लेते हैं कि जो लास्ट मेथड होता है वो एम्प्टी डेटा सोर्स के साथ कैसे काम करेगा। तो सपोज कीजिएगा कि एक हमारे पास इंटीजर की एम्प्टी लिस्ट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर आप उस पर लास्ट मेथड को कॉल करेंगे तो आपको एरर आ गई, क्या है, सीक्वेंस एरर मैसेज क्या है, सीक्वेंस कंटेन्स नो एलिमेंट और एक्सेप्शन का नाम क्या है, सिस्टम डॉट इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके थे। हम क्या काम करते हैं, इसको सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट करके आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि जो लेट्स से आपने क्या काम किया, आपका एक कलेक्शन था, ठीक है, आपने क्या काम किया, लास्ट मेथड को कॉल किया उस डेटा सोर्स पर, आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, पर क्या हुआ कि लास्ट मेथड में जो आपने कंडीशन अप्लाई की उस कंडीशन के बेसिस पर डेटा सोर्स कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जब भी ऐसा होगा उस केस में भी आपको सेम एरर आ जाएगी, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ठीक है।
अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ भी लिया है, देन हमने इसको एग्जाम्पल से समझ भी लिया। अब आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं कि जो लास्ट मेथड होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप्स के साथ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट क्लास को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज है, आईडी, नेम, जेंडर, ब्रांच, एज, टोटल मार्क्स, एंड देन यहाँ पे क्या एक मेथड भी है जिसका क्या नाम है, गेट ऑल स्टूडेंट्स। और ये मेथड क्या काम करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न कर दी, जो कि मैंने एक डेटा सोर्स लिस्ट स्टूडेंट्स में होल्ड कर लिया। अब पहले मैं क्या काम करूंगा, मैंने इस डेटा सोर्स में डॉट लगा के लास्ट मेथड को कॉल किया। लास्ट मेथड को कॉल किया तो ये क्या काम करेगा, देखिएगा इस डेटा सोर्स में लास्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जिसमें आईडी 105। और जब मैंने डेटा सोर्स पे लास्ट मेथड कॉल किया तो इसने क्या रिटर्न किया, सेम डेटा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसकी आईडी क्या है, 105। क्लियर। अब क्या हुआ, अब अगर मैं यहाँ पे प्रेडिकेट पास करता हूँ कि इस स्टूडेंट में मेरे को वो लास्ट स्टूडेंट पास करो जिसका जेंडर मेल है, पर वो सबसे लास्ट वाला होना चाहिए, तो हम डेटा सोर्स में लास्ट डॉट लगा के लास्ट मेथड को कॉल कर देंगे, एंड देन लास्ट मेथड के अंदर हम कंडीशन पास कर देंगे। तो देखिएगा ये एक स्टूडेंट मेरे को रिटर्न कर देगा जो कि लास्ट स्टूडेंट होगा जिसका जेंडर मेल है। थर्ड थिंग, ऐसे में क्या काम करूंगा, यहाँ पे फिर से मैंने लास्ट मेथड कॉल कर दिया कि वो लास्ट स्टूडेंट रिटर्न कर दो इस डेटा सोर्स से जिसकी एज 21 से कम है। इसने मेरे को एक रिटर्न कर दिया, एंड देन मैंने क्या काम किया, इन तीनों क्वेरीज का जो रिजल्ट था वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट और डिफॉल्ट मेथड की। ठीक है, तो क्या होता है, अभी जब भी आप लास्ट मेथड को यूज करेंगे, राइट, तो मैंने आपको जो सिनेरियोज बताए थे उन सिनेरियोज में क्या हो सकता है, आपको इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, बट आप चाहते हैं कि आपको ये एरर ना आए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या काम करते हैं, लास्ट और डिफॉल्ट मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, अब लास्ट और डिफॉल्ट मेथड करता क्या, सो लास्ट और डिफॉल्ट मेथड लिंक क्वेरी में एग्जैक्टली वही काम करता है जो लास्ट मेथड करता है, बट ये क्या काम करेगा, आपको इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। तो जब भी आप इस मेथड को यूज करेंगे आप इस एक्सेप्शन से बच जाएंगे। तो क्या होता है, जब भी आपका डेटा सोर्स एम्प्टी होगा या जो आपका लास्ट मेथड है, लेट्स से कि लास्ट और डिफॉल्ट के अंदर आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी और डेटा सोर्स कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं कर रहा, इन दोनों केसों में आपको ये एरर नहीं आएगी। और दोनों केस में क्या काम करेगा, आपको डिफॉल्ट वैल्यू को रिटर्न करेगा। सपोज कीजिए आप लिस्ट ऑफ इंटीजर पे काम कर रहे थे, वो एम्प्टी थी, या उसने क्या काम किया, कंडीशन अप्लाई करके भी कोई एलिमेंट रिटर्न नहीं किया, तो इंटीजर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ये आपको जीरो रिटर्न कर देगा। पर एक और केस होता है जब आपका डेटा सोर्स नल है, फिर चाहे आप लास्ट मेथड यूज करें या लास्ट और डिफॉल्ट मेथड यूज करें, दोनों केस में आपको आर्ग्यूमेंट नल एक्सेप्शन आने वाली है। ठीक है, अब हम इसी के एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करेंगे। तो लास्ट और डिफॉल्ट का पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं। हमारे पास सेम डेटा सोर्स है, ठीक है, उस डेटा सोर्स में मैंने मेथड सिंटेक्स को यूज किया, तो मैंने क्या काम किया, डेटा सोर्स डॉट लगा के लास्ट और डिफॉल्ट मेथड को कॉल कर दिया, तो वो लास्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा। लास्ट वैल्यू 10 थी, सेम वे में क्वेरी सिंटैक्स से भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी और आपने उसको प्रिंट करा दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि जो लास्ट और डिफॉल्ट है वो प्रेडिकेट के साथ कैसे काम करता है जब हम उसमें कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो पहले मेथड सिंटैक्स के थ्रू करते हैं। तो हमने क्या काम किया, इस डेटा सोर्स में लास्ट और डिफॉल्ट मेथड को कॉल किया और कंडीशन अप्लाई कर दी कि जहां पे भी नंबर 5 से बड़ा है मेरे को वो लास्ट नंबर रिटर्न कर दो जो 5 से बड़ा है और इस डेटा सोर्स में लास्ट हूं मैं, हूं तो वो क्या है, 10। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 10। सेम क्वेरी सिंटैक्स में लिखा, बेसिक क्वेरी लिखी और लास्ट और डिफॉल्ट मेथड लगा के सेम कंडीशन को सेम वे में अप्लाई कर दिया, तो ये भी आपको 10 रिटर्न कर देगा और आपने उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, लास्ट मेथड है, लास्ट और डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ कैसे काम करेगा, तो सेम वे में ये भी काम करता है जैसे लास्ट मेथड काम करता है। आपने वही स्टूडेंट क्लास का गेट ऑल स्टूडेंट मेथड कॉल किया, उसने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब आपने क्या काम किया, जो स्टूडेंट्स की लिस्ट रिटर्न हुई है आपने उसमें डॉट लगा के लास्ट और डिफॉल्ट मेथड कॉल किया, तो ये भी आपको लास्ट जो एलिमेंट था इस डेटा सोर्स का वो रिटर्न कर देगा, आप देख सकते हैं, एंड देन उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दी। फिर हमने क्या काम किया, इस पर कंडीशन कॉल कर दी कि इस डेटा सोर्स में जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट है उसमें ऐसा लास्ट स्टूडेंट रिटर्न कर दो जिसका जेंडर मेल है।
तो उसने वो भी रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड देन फिर से मैंने डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट कर दी, ठीक है। फिर लास्ट एक क्वेरी और की मैंने कि इस स्टूडेंट ऑफ आई मीन लिस्ट ऑफ स्टूडेंट था जो, उसमें से वो लास्ट स्टूडेंट रिटर्न करो जिसकी एज 21 से कम है। तो उसने वो रिटर्न कर दिया, फिर से मैंने वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। तो आपके पास दो मेथड होते हैं, लास्ट एंड लास्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, आपको जब भी डेटा सोर्स से लास्ट वैल्यू चाहिए तो आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, लास्ट मेथड आपको दो केस में एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, इनवैलिड जो इनवैलिड आउट एक्सेप्शन होती है वो आपको दो केस में रिटर्न कर देगा, या तो आपका डेटा सोर्स एम्प्टी है या आपने लास्ट मेथड के अंदर कोई कंडीशन अप्लाई की। पर जिस डेटा सोर्स पे आपने कंडीशन अप्लाई की है लास्ट मेथड के अंदर, डेटा सोर्स का कोई भी एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, आप दोनों जगह लास्ट और डिफॉल्ट का मेथड का यूज करके उस एक्सेप्शन से बच सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट और डिफॉल्ट क्या काम करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करने के बजाय आपको डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देता है। आपका अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।